हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज हम करेंगे क्लास टू की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस वर्कशीट और ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाई है यहाँ पे बच्चे को नेम लिखना है देन क्लास लिखनी है देन डेट लिखनी है और उसके बाद इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही उसको सेंटेंसेस लिखने हैं आपको अपने बच्चे को एंकरेज करना है कि उसको सिर्फ पिक्चर देखनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है सेंटेंसेस को लिखने हैं तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंसेस कि, किस तरीके से हो सकते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सन बहुत अच्छे से चमक रहा है तो हम लिखेंगे द द सन इज शाइनिंग ब्राइटली सन बहुत चमक रहा है चमकदार सन है ठीक है फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं कहाँ पर पार्क में सो so,

हो रहे हैं तो चलो अब हम इनको अपने सेंटेंसेस में लिखते हैं सो टू बॉयस आर प्लेइंग बैडमिंटन ओके बैडमिंटन देन हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा अ गर्ल इज स्कीपिंग रोप देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा A boy is playing football. A boy is playing football. Okay. Now, next sentence A girl is cycling in the park. In the park. Okay. And next sentence A boy is practicing. टेसिंग किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है बास्केटबॉल बास्केटबॉल की क्या कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहा है गर्ल इज स्केटिंग इन द पार्क और पार्क का जो व्यू है कितना अच्छा लग रहा है सो so, हम एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं कि बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है या फिर ये बहुत ज्यादा सूदिंग है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो और भी सेंटेंसेस आप इसमें बढ़ा सकते हो और बता सकते हो कि भाई यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से अगर बच्चे को पताना है क्योंकि आपका बच्चा थर्ड क्लास में जा रहा है ठीक है तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई आपका बच्चा वो वहां पर पेरेंट्स भी हैं बच्चों के या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं जो उनकी देखभाल के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं स्काई में तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं आप वो लिख सकते हो ठीक है तो आर फ्लाइंग इन द स्काई सो दैट्स ऑल फॉर दिस अब हम uh, जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में हमें करना क्या है बेसिकली uh, ये है हमारी स्लाइड नेक्स्ट जिसमें प्रैक्टिस वर्कशीट जो है कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको एक स्टोरी नजर आ रही है आप देख सकते हैं ठीक है इट्स अ वेरी गुड स्टोरी तो आपको क्या करना है इसको अप्स करना है इसको भरना है तो हमें भरना कैसे है से राइट right? फिल करनी है एमिली एंड केट आर कहाँ पर है वो लोग पर है इन केट इज सिटिंग पर बैठा है इन द

और कह सकते हैं कि भाई आप बच्चे को पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है वो उसको देखे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है प्रिपोजिशन को लिखना है तो इस तरीके से आप ये बच्चे से करवा सकते हैं राइट right? तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की यहां पर आपको कुछ हुए हैं, और उनको आपको क्या करना है एडजेक्टिव मतलब क्या होता है विशेषता बताते हैं नाउन की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं uh, है. जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग उनकी कोई भी क्वालिटी आपको अगर बता रहा है उसकी कोई एक ऐसी चीज बता रहा है जिससे आप उसको एकदम पहचान लोगे

स्मार्टनेस uh, क्या है आपका एडजेक्टिव है। ब्लैक ब्लैक। स्पॉट्स मिसेस गुप्ता इज अ नाइस वुमेन तो ह्यूज क्या है आपका एडजेक्टिव राहुल हैज अ तो न्यू क्या है आपका एडजेक्टिव। राइट सो इस तरीके से क्या है आप अपने बच्चे से एडजेक्टिव करा सकते हैं तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट सेंटेंस आप नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है वो देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस मिस्टर जॉर्ज इज अ ही कैचेस थीव्स हमें यहाँ पर प्रोनाउंस को फिल uh, करना है ही शी वी यू दे ये क्या होते हैं प्रोनाउंस होते हैं मिस एलेक्स इज अ टीचर शी टीचर्स इन अ स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स गो टू स्कूल Boys and girls, they learn to read and write. The elephant is a wild animal, he lives in the jungle. Foxes are wild animals, they live in the jungle. Miss Sharma is kind to children, the children love her. I have a piece of meat, I will give it to the dog. My father loves me, and I love. तो आपने देखा हमने हर एक प्रोनाउन के लिए अलग से आ, हर एक सेंटेंस के लिए अलग प्रोनाउन यूज किया है तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे को आप सिखा सकते हो सबसे पहले हमारा मोटिव है कि हम बच्चे को सिखाएं कि भाई हर एक उसके लिए अलग से प्रोनाउन यूज होता है तो अब चलते हैं हमारी जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं ये है इज़ एम आर की वर्कशीट द बुक्स आर न्यू तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है सो दे आर इज हॉट कॉफी इन द कप आई एम नॉट एन ईडियट द टाइगर इज फीलिंग हंगरी We are happy. I am taking my brothers to the park. The bread and knife are on the table. The bottle is full of milk. I am writing a story at my desk. This is a lotus flower.

थिन एड्जेक्टिव है और ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है अब हमें क्या करना है इन सब एड्जेक्टिव का यहां पर ऑपोजिट लिखना है द माउस इज स्मॉल बट द एलिफेंट इज बिग टी इज हॉट बट जूस इज कोल्ड हेयर इज ब्लैक बट द टूथ इज वाइट मिस्टर रॉय इज इज स्ट्रांग बट मिस रॉय इज वी

यहाँ पर हम अगर किसी पर्सन की बात करेंगे तो थिन और फैट ही आएगा सो बटरफ्लाई इज कॉकरोच इज अगली सो आई होप होगा और आपको राइटिंग भी समझ में आ रही जो आपकी राइटिंग का मसला था वो भी कम्प्लीट हो गया यहाँ पर एक हो चुका है तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत helpful ही हेल्पफुल रहेगी वीडियो अगर रहे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा